नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्पिंग केशव चैनल में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग से संबंधित कुछ जानकारी। दोस्तों जानकारी आपको जो भी हमारे द्वारा दी जा रही है वो जानकारी बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। हो सकता है कुछ आपको लेट जानकारी मिले, लेकिन जैसा भी जानकारी आपको दी जाती है वो बिल्कुल सही जानकारी ही दी जाती है आपको। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे आपका कोई दोस्तों पैसा खर्चा नहीं होता है, लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिल जाता है। दोस्तों हो सकता है ये लेटर आप तक पहुंच भी गया हो, लेकिन जिनके पास ये लेटर नहीं पहुंचा होगा वो मेरे वीडियो के माध्यम से ये जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज विभाग द्वारा एक लेटर इशू किया गया है जो जमुई डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। दोस्तों इस लेटर में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें 21 जन का ज्वाइनिंग इशू किया गया है, ज्वाइनिंग देने के लिए जो पंचायत स्तर पे जो नया बना हुआ है भवन उसमें ज्वाइनिंग होगा। दोस्तों इसमें लेकिन एक अलग कंडीशन भी इसमें दिया हुआ है, जैसे कि जो एजुकेटिव असिस्टेंट वाले पहले से ये लैपटॉप मतलब कंप्यूटर ये सब लेके जाते थे, सेम प्रोसेस अब डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी नियम के द्वारा लगा दिया गया है कि अब उनको भी ले जाना है। दोस्तों ये तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जब हम बेल्ट्रॉन जब नोटिफिकेशन निकाला था तो उस समय ऐसा कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने एग्ज़ाम फी के बारे में जिक्र किया था कि इतना लगेगा, इस तरह से पैनल बनेगा, इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन इसमें कहीं ये जिक्र नहीं किया गया था कि आपको कंप्यूटर और अपना प्रिंटर वगैरह सब लेके जाना है। दोस्तों ये गलत हो रहा है, इसके लिए हमें आवाज़ उठाना होगा। अगर नहीं उठाएंगे तो इसी तरह से कुछ ना कुछ नया नियम ऐड होते जाएगा और हमको उसका पालन करना होगा। दोस्तों अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। दोस्तों इस लेटर में साथ में ये भी लिखा हुआ है कि आप बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं हैं, ना ही आप सरकारी कर्मी हैं। चलिए ठीक है, इस बात को हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमको तो नहीं पता है कि आप किस तरह से ज्वाइनिंग दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म तो बेल्ट्रॉन भरवाई है, एग्ज़ाम भी बेल्ट्रॉन ही कंडक्ट करवाई है, चालान वगैरह सब बेल्ट्रॉन ही ली है, तो हम लोग तो बेल्ट्रॉन को ही जानते हैं। दोस्तों जो भी जैसे भी हो, हमें सिर्फ बेल्ट्रॉन से ही सवाल जवाब करना है, इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी से हमें सवाल जवाब नहीं करना है, उसके लिए बेल्ट्रॉन खुद अपना समझेगी। दोस्तों इसके पहले LRC का भी मैंने एक अपडेट दिया था, उसके बारे में देखिए कब तक सूचना मिलती है, अगर ऐसी कोई भी सूचना मिलेगी तो बिल्कुल आप तक वो जानकारी मैं पहुँचा दूँगा। दोस्तों आप ये लेटर मेरे टेलीग्राम चैनल हैं टेक्निकल हेल्पिंग केशव जी करके, वहाँ से भी इस लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, के स्क्रीन पर लेटर दिख रहा है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं रिक्वेस्ट सभी ग्रुप एडमिन से करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इस पर विचार आप करें और कुछ निर्णय लें, ताकि ये जो कंप्यूटर का डिमांड किया जा रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर से ये ना हो। दोस्तों अगर मेरे द्वारा कुछ भी आपको सहायता की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल हम तैयार हैं। दोस्तों हम भी डाटा एंट्री ऑपरेटर आपके साथ पास आउट कैंडिडेट ही हैं। बस दोस्तों यही छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचानी थी जो मैंने आपको तक पहुंचा दी। दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और तक ये जानकारी पहुँच जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।